हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम्स लाइफस्टाइल। और ये हो गई है मॉर्निंग 26 जनवरी की और मैं जा रही हूँ टेरेस पे फ्लैग होस्टिंग के लिए। तो बहुत ही लाइट सा कलर मैंने, ये मेरा बहुत ही सिंपल सा ड्रेस है जिसे मैं अब टेरेस पे पहन के जा रही हूँ। और मैं आज थोड़ी लेट हो गई थी, फ्लैग होस्टिंग हो चुका था लेकिन मैंने किसी से क्लिप ले लिया है कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। ये देखिए हमारा फ्लैग कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, माशाल्लाह। फ्लैग होस्टिंग के बाद ये छोटे छोटे परफॉर्मेंस थे। सारे परफॉर्मेंस के बाद हमारा यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी था और हम देखिए सारी लेडीज़ जमा है, काफ़ी लोग हैं माशाल्लाह। और ये है कविता जी जो हर साल ऑर्गेनाइज करती है, पर किसी पर्सनल रीज़न की वजह से इस साल वो नहीं कर पाई थी, जिस वजह से हमने स्पोर्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ किया था। और ये है फ्लैग, मैं लेट आई थी इसके लिए मैं लेट लगा रही हूँ, लेकिन मुझे आज ये वाला लगाने का दिल कर रहा था तो मैं आज ये वाला लगा रही हूँ, पिन वाला। और अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने और ये कविता जी ने ही नाश्ता भी अरेंज किया था, मतलब सोसाइटी की तरफ से किया था। और ये रही काकू और हमारी बिल्डिंग के सारे लोग, सारे नाश्ता कर रहे हैं, उधर बच्चे अपना ग्रुप बना के खड़े हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें नाश्ते में थी। जैसा कि स्पोर्ट्स डे के दिन लेडीज़ और जेंट्स कम लोग अवेलेबल थे तो हमने लेमन एंड स्पून लेडीज़ और जेंट्स का नहीं कराया था, तो वो आज हम करा रहे हैं। और ये मेरे हस्बैंड भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा मज़ा आती है इस तरीके से पार्टिसिपेट करना। और मेरे हस्बैंड तो हार गए थे और मैं भी हार गई थी, लेकिन हमने पार्टिसिपेट किया, हमने बहुत इंजॉय किया। लेकिन मेरी ननंद जीत गई थी और मेरी एक ननंद का बेटा जीत गया था। और ये देखिए यहाँ पे मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, बहुत मज़ा आई थी। और ये हो गई है शाम और ये मेरी इवनिंग का ड्रेस है, बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है। ये पाकिस्तानी ड्रेस है, मुझे पाकिस्तानी ड्रेस बहुत पसंद है और इंडिया में पाकिस्तानी ड्रेसेस बहुत ज़्यादा फेमस है, इंडियंस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इनको। और ये खूबसूरत सा मेरा पैंट है और दुपट्टा इसका बहुत ही प्यारा सा है, पर इसे कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे। और अब मैं आ गई हूँ टेरेस पे और ये देखिए यहाँ पे हल्दी कुंकू हो रहा है, यहाँ पे सुहागनों को हल्दी और कुंकू लगाया जाता है। तो हम माथे पे तो नहीं लगा सकते थे, इसके लिए हमने हाथ पे लगाया, उन लोगों ने हमारी रिस्पेक्ट की, हमारे हाथ पे लगाने के लिए अलाउ किया और मैंने उनकी रिस्पेक्ट की कि हम माथे पे नहीं लगा सकते तो हमने हाथ में लगाया। और इस तरीके से वो लोग गिफ्ट भी देते हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत मिलजुल के बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सच में हमारी सोसाइटी तो तारक मेहता की गोकुलधाम सोसाइटी की तरह ही है। और आज फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड और मैं साथ में व्लॉग में आ रहे हैं। मैंने कोशिश किया था व्लॉग का यहीं से स्टार्ट करूं, लेकिन ना बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में म्यूज़िक था, इसके लिए मुझे म्यूट करना पड़ा। और मुझे इतने ज़्यादा खुशी हो रही है, मेरे हस्बैंड और मैं साथ में हैं, माशाल्लाह। आप लोग ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं आज यहाँ पर नहीं होती। और ये देखिए इस तरीके से बैकग्राउंड में वहाँ पे खाने वगैरह मिल रहे हैं, यहाँ पे स्टेज बना है, अभी डांस वगैरह शुरू हो जाएंगे। और उमर ने भी डांस में इस बार पार्टिसिपेट किया हुआ है और अरीबा एंकरिंग कर रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके लिए मैं जल्दी भी आ गई कि कहीं मैं उन लोगों का ही परफॉर्मेंस मिस ना कर दूँ। और इस तरीके से अभी धीरे धीरे लोग जमा हो रहे हैं। और ये प्यारा सा कृष्णा जो कृष्णा बनकर आया है फैंसी ड्रेस कंपटीशन में, इतना प्यारा था, माशाल्लाह, ज़रूर बोलिएगा। और इतना एक्टिव था। और ये अभी देखिए स्टार्ट हो गया है, एंकरिंग अरीबा और उसके फ्रेंड्स कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये स्टार्ट हो गया है। नमस्ते, तो आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए हम डांस परफॉर्मेंसेस के जाएंगे आगे। सो प्लीज वेलकम श्राव्या एंड पीकू। मेरी बेटी को एंकरिंग करते देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी, वो इतने कॉन्फिडेंटली कर रही थी। और ये देखिए प्यारा सा डांस कर रहे, पर मैं नहीं दिखा सकती थी म्यूज़िक के साथ क्योंकि कॉपीराइट आ जाता। और बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छा किया था उन्होंने, मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो अभी जब हमने द गर्ल्स का परफॉर्मेंस देख ही लिया है तो क्यों ना हम द बॉयज का परफॉर्मेंस देखे। सो प्लीज वेलकम द बॉयज।
बहुत अच्छा डांस किया तुम लोगों ने, तो किसने सिखाया तुमको ये डांस? सिद्धि और प्रिया। सिद्धि स्टेज पर आओ, प्लीज ऊपर आओ, एक स्टेप करो, सिर्फ एक ही स्टेप करने का, सिर्फ एक ही स्टेप करना है। और ये जिन्होंने सिखाया था उन्होंने भी एक स्टेप करके दिखाया है, बहुत ही अच्छा डांस करती हैं ये लोग। अब हमने डांस परफॉर्मेंसेस देख लिया, तो एक छोटा सा गेम खेलेंगे, उस गेम का नाम है दमशराज। तो किसी को भी ये गेम खेलना है तो आप स्टेज पे आ सकते हो। कोई वॉलंटियर्स है ऑडियंस में, किसको आना है? और इस तरीके से बड़े छोटे सब ने बहुत इंजॉय किया। अभी बच्चों के और भी डांस आएंगे, तो आप लोग इंजॉय करें। शान आपका, किसने कोरियोग्राफ किया? मतलब मैंने यूट्यूब से बहुत ही अच्छा था। क्या किसी को पता है चलिया सॉन्ग किसका है, किसने स्टार किया उसमें? डांस देखा जाए, सो एवरीवन पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर भव्य। और इस तरीके से बीच बीच में गेम भी खेल रहे थे। आपको अपनी वाइफ के ग्रैंड मदर का नाम बताना है। सास का नाम याद है तो ग्रैंड फादर का नाम भी चलेगा। बबई। सही है। ओ कैसा लगा? आपको चॉकलेट चाहिए तो आप ही बोल दो। अरे ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर का नाम? नहीं अंकल आपको नहीं आता? छाजू राम जी, श्री छाजू राम जी। फाइव स्टार मिलेगा। स्टेज पे एक और परफॉर्मेंस करने के लिए, सो प्लीज वेलकम देम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। और ये अब आ गया है उमर का परफॉर्मेंस। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था और बहुत अच्छे से कर रहा था। यूसुफ और उमर दोनों बहुत अच्छा कर रहे थे। मैं करीब जाकर उन लोगों को दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए कितना प्यारा है, डांस कर रहे हैं, इतना इंजॉय कर रहे हैं। डांस परफॉर्मेंस तो ऑलमोस्ट हो चुका है, अब इन सब के लिए वापस एक बार तालियां हो जाए। धीरे धीरे सारे लोग आ रहे हैं सिंगिंग करने के लिए।
और अब सारे परफॉर्मेंस हो गए हैं, एक लास्ट डांस बचा है। तब तक हमने गिफ्ट्स की भी तैयारी कर ली है जो हमने खरीद कर लाए हैं, तो आई होप सारे बच्चों को ये पसंद आएगा। और ये है आज का लास्ट परफॉर्मेंस डांस का, तो काफ़ी अच्छा डांस किया था पल्लवी ने। और कमेटी मेंबर अब आ गए हैं स्टेज पर गिफ्ट्स देने के लिए, आई मीन प्राइज देने के लिए। तो इंशाल्लाह हमने कोशिश की थी कि जो भी स्टेज पर आए वो खाली हाथ ना जाए, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे गेम्स के लिए हो, चाहे वो डांसिंग वाले पार्टिसिपेंट हो और एंकर्स हो, सभी को हमने कोशिश की कि सभी को हम गिफ्ट्स दे सकें। और ये बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं अपना प्राइज लेते हुए। और ये उमर की बारी आ गई है, उमर भी लेमन एंड स्पून में और थ्री लेग रेस में जीता था, तो अब वो इत्तेफाक से उसके डैडी के ही हाथ से ले रहा है गिफ्ट, आई मीन प्राइज। और उसने डांस भी परफॉर्म किया था, इसके लिए भी उसको मिलेगा, तो उसे 3 प्राइज मिले हैं। और ये मेरी ननंद को भी प्राइज मिला है क्योंकि वो भी जीती थी लेमन एंड स्पून में। और ये सारे बच्चे पार्टिसिपेंट लोगों को मिल रहा है डांस के लिए। और अब सारे एंकर्स को भी मिल रहा है, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। छोटा सा ही गिफ्ट रहता है लेकिन इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और गिफ्ट मायने नहीं रखता है, फीलिंग्स मायने रखती है। और ये देखिए पानी पूरी खाते हुए, और ये हमारे सोसाइटी के कुछ लोग हैं, मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप इन लोगों का भी बना लूँ। और माशाल्लाह खाने में भी बहुत टेस्टी खाना था और सारी चीज़ें वेज थी ज़ाहिर है, क्योंकि हर कोई नॉनवेज नहीं खाता। और ये देखिए डीजे पार्टी चल रही है और यहाँ पे उमर की हरकतें देखो क्या कर रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। और सारे एज ग्रुप का अलग अलग एक ग्रुप बना हुआ है, सब अपने तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए ये यंगस्टर हैं और अब ये सारे जा रहे हैं डांस के लिए, अब सारे मिलकर बहुत इंजॉय करेंगे। सारे थक गए हैं, 10 बज गया है और 10 बजे के बाद तो म्यूज़िक अलाउड नहीं है, तो इसके लिए डीजे पार्टी तो ख़त्म हो गई है। अब हम खेलेंगे म्यूज़िकल चेयर, क्योंकि बच्चों का भी बाकी रह गया था और लेडीज़ और जेंट्स का तो आज ही के दिन होता है क्योंकि सारे लोग जमा रहते हैं, और अब हम वो खेलेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ा आती है इसमें। म्यूज़िकल चेयर में भी यूसुफ जीता था और उमर थर्ड आया था, बेचारा मिस कर गया। और ये हम लेडीज़ खेलने जा रही है। हम इतने सारे लोग होते हुए भी हम सारे हार गए थे। आज का ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया था, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।